सो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर स्टॉपिंग बाय हियर. तो इस पॉइंट पे आगे काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे मनी इन द बैंक से रिलेटेड. बट आपको पता है कि मनी इन द बैंक कितना ज्यादा खतरनाक है कि वो आपके फेवरेट रेसलर का पर्सनली काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है. तो क्या सब वो चीजें, मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ. तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन. चलिए वीडियो में चलते हैं. सबसे पहले 2016 में एक बार रोमन रेंस ने कहा था, एक बार की बात है, जब मैं WWE नए नए आया था तो मुझे मनी इन द बैंक काफी ज्यादा बेकार लगता था. अब उन्होंने ऐसा कहा, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, बट इस टाइम पर जो कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं और मुझे सबसे ज्यादा जैकस ये ही लग रहा है. तो इस पॉइंट पे आकर जो कि उन्होंने क्या कहने की कोशिश की किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि हमारे पास तब टाइम पे न्यूज लेटर नहीं था. पर अब तो मैं आज से 1-1.5 साल पुराने जो कि न्यूज लेटर चेक कर रहा था, तो मुझे वहां पे एक चीज का पता लगा, मनी इन द बैंक जो कि है वो काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है. जो कि मनी इन द बैंक है वो आपको काफी ज्यादा वेज में इफेक्ट कर सकता है. हम डॉल्फ ज़िगलर के बारे में बात करने वाले हैं आज, जो कि डॉल्फ ज़िगलर हैं. एक बार की बात है, डॉल्फ ज़िगलर ने जब मनी इन द बैंक जीता था तब के टाइम पर उनकी काफी ज्यादा वाहवाही हो गई थी. तब उनको $5,00,000 सैलरी मिलती थी. बट उसी के बाद जैसे कि उनका मनी इन द बैंक वाला सब कुछ खत्म हो गया, उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली, उसके बाद अभी तक उनका जो कि चैंपियनशिप से जितना कुछ मतलब बना उनका बोनस वगैरह, तो उनकी सैलरी इस टाइम पर $9,00,000 है. तो $9,00,000 जो कि सैलरी काफी ज्यादा कम है, जबकि उनकी सैलरी इस टाइम पर कम से कम भी $15,00,000 तक होनी चाहिए थी. अब ऐसा क्यों? बिकॉज मनी इन द बैंक काफी ज्यादा नुकसान कराता है. इसी वजह से डीन एम्ब्रोस जो कि है उनकी सैलरी सेथ रॉलिंस से और रोमन रेंस से पीछे रह गई. हालांकि सेथ रॉलिंस ने भी चैंपियनशिप जीती है मनी इन द बैंक से, बट उन्होंने उसके बाद भी चैंपियनशिप जीत ली है, जिसको कि आप याद रखें. तो हम बात कर लेते हैं आप कैसे होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरे पास है मनी इन द बैंक और मैं WWE का स्टार हूँ, मेरी सैलरी है $5,00,000. और आज से 10 साल बाद जो कि है मेरी सैलरी हो जाएगी फॉर एन एग्जाम्पल $5,000,000. तो $5,000,000 मेरी सैलरी हो जाएगी अगर मैं चैंपियनशिप्स वगैरह जीत लेता हूँ. बट अगर मैं इसमें मनी इन द बैंक जीत लेता हूँ तो मेरी सैलरी जो कि एस्टिमेटेडली इतनी अफेक्टेड होगी कि वो 5-3 मिलियन तक पहुंच जाएगी. ऐसा क्यों? हर साल जो कि रेसलर्स हैं उनकी WWE में इंक्रीमेंट लगता है 15% का, और जो कि 15% का इंक्रीमेंट होता है वो मनी इन द बैंक से बढ़ा दिया जाता है. मनी इन द बैंक में भी जो कि है करीब करीब एक रेसलर को 15% तो नहीं पर 16-17% तक तो मिल जाता है. 16% तक तो उनको मिल जाता है. तो उसके बाद क्या होता है, 16% में से 13% जो की है उन्हें WWE से काट लिया जाता है. जब तक वो मनी इन द बैंक से जो कि चैंपियनशिप जीतते हैं, उसके बाद जो कि वो चैंपियनशिप नहीं जीत लेंगे, तब तक उनका मनी इन द बैंक से इतना सब कुछ कटता रहेगा और उन्हें जो कि है हर साल 18% का बोनस तो मिलेगा. बट वो चैंपियनशिप जो कि है वो काफी ज्यादा इफेक्ट कर देगी. नॉर्मली अगर वो वर्ल्ड टाइटल जीतेंगे तो उन्हें 15% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, जबकि यहाँ पर सिर्फ 3 का मिल रहा है. तो मनी इन द बैंक काफी ज्यादा नुकसान के साथ आता है. तो बहुत सारे लोग जो कि कह रहे हैं रोमन रेंस को जीतना चाहिए, तो नहीं यार, रोमन रेंस के लिए या कोई भी रेसलर है उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है मनी इन द बैंक, क्योंकि वो पैसे कम करता है. और सबसे बड़ी चीज जो कि है पैसा ही होता है सबके लिए जो कि इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं. बट अगर हम बात करें इस पॉइंट के ऊपर, हर एक जो कि है WWE का स्क्रिप्टेड भी नहीं होता. मोस्ट ऑफ दी जो कि मनी इन द बैंक होते हैं वो रियल होते हैं और काफी ज्यादा स्क्रिप्टेड भी होते हैं. सेथ रॉलिंस वाला स्क्रिप्टेड था, बट डीन एम्ब्रोस वाला जो कि मनी इन द बैंक था जो कि उन्होंने जीता वो बिल्कुल सही था. बैरन कॉर्बिन वाला भी बिल्कुल सही था, जो कि WWE काफी रेसलर्स को कर देती है, बट जो कि स्क्रिप्टेड होता है उसमें इतने. तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा. और अगर जिन जिन लोगों को डाउट लगता है, तो ये जो कि है रेसल न्यूज जो कि होती है, यानी कि रेसलिंग ऑब्जर्वर का न्यूज लेटर होता है, उन सबसे कन्फर्म्ड है. तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको डाउट लगता है. ये करीब आज से 2 साल पहले आया था, या फिर 29 या फिर 30 महीने पहले, कुछ ऐसे ही है. तो आप एक बार जरूर जाके चेकआउट कर लेना आपको, ताकि कन्फर्म हो जाए. तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए. आप देख लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो. सेकंड चैनल को भी चेकआउट कर लो, फेसबुक पर भी फॉलो कर लो, और उसी के साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, ट्विटर को भी चेकआउट कर लो. तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं अरमान.